मेरा भाई राजरंजन नाती छोटा हमसे, कल 2 बजे जो है सो निकला कि एक आदमी के साथ उमेश नाम के आदमी के साथ हम कच्ची पक्की जा रहे हैं। उसके बाद वो पक्की सराय में उसका लड़का आके उतार दिया गाड़ी से, बोला कि तुम जाओ, हमको उसी के गाड़ी से जाना है। उसके बाद 3 बजे तक उससे बातचीत हुआ है मोबाइल से। 3 बजे के बाद उसका मोबाइल ऑफ हो गया, लोग इधर उधर फ़ोन कर रहा है तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। 3 गो मोबाइल का नंबर उसके पास है, 3 गो स्विच ऑफ बता रहा है। और कभी लगता भी है तो डाइवर्ट हो मधुबनी के किसी नंबर पर बात होता है, बोलता है कि हम 2 महीना पहले नंबर लिए, हमारा कोई जान पहचान नहीं है जो हमारे पहुँच गए, हमारा पर डाइवर्ट होगा। उसके बाद रात भर हम लोग खोजबीन रिश्तेदारी सब जगह किए। रात में मिठनपुरा थाना का पेट्रोलिंग जीत गया था, उसको बताया तो बोला कि ठीक है रात भर देख लीजिए, फिर सुबह में आप आइएगा। सुबह में हम लोग आए 9 बजे करीब, 9:30 बजे तो बोले 11 बजे थाना प्रभारी आते हैं। फिर 11 बजे हम लोग आके यहाँ बैठे हुए हैं, अभी नहीं किए। तब बोले मुंशी जी बोले कि जैसे लिख के दे दीजिए, हम आप जाइए, हम रजिस्टर्ड कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग लिख के दे दिए, 2 घंटा के बाद फिर आए तो फिर कोई थाना प्रभारी पता नहीं। फिर CTSP को फ़ोन किए तो बोले कि नहीं थाना पर जाइए, हम थाना प्रभारी को भेजते हैं। फिर यहाँ आए हैं तो थाना प्रभारी 1 घंटा के बाद आए हैं तो मैंने हमारा FIR का कॉपी, अभी FIR रजिस्टर्ड नहीं किए हैं, वही जो हम लोग लिख के दिए हैं। क्या कोई शक वगैरह भी, किसी कोई शक वगैरह भारी नहीं आए? हाँ, कोई दरोगा जमदार आए हैं अभी तक नहीं आए। शंका कुछ बताई, कुछ शंका भी हमका ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों के यहाँ किसी से उसका दुश्मनी है। थोड़ा सा दवा का दुकान है, वो बोले हुआ मुसहरी पिटिया पर, उसके अलावा तो वो गाड़ी उड़ी भाड़ा पर चलवाता है। हाँ, उमेश का नाम बोला था कि उमेश नाम के आदमी के साथ हम जा रहे हैं। हम लोग उमेश का भी पूरा खोजबीन कर रहे हैं, कहीं से कोई उमेश पता नहीं चल रहा है कौन उमेश है। कोई डिमांड वगैरह कॉल वगैरह कुछ नहीं, अभी तक कोई कॉल नहीं, कोई डिमांड नहीं। 3 मोबाइल अभी तक स्विच ऑफ बता रहा है, ऑन भी, अगर बात भी होता है तो डाइवर्ट कॉल है। वो मधुबनी में उठाता है, कभी लेडीज उठाती है, कभी जेंट्स उठाता है, कहता है कि हम तो पहचान वो नहीं करते हैं राजरंजन नाजी को, तो मेरे नंबर पर कैसे आपका कॉल आ रहा है। यही बात है। अपना नाम बताइए। हमारा शशि रंजन वर्मा, हम उसके बड़े भाई।